वेलकम टू माई प्रेगनेंसी व्लॉग। सो आज है 2nd of April 2024, जस्ट द डे आफ्टर माई 30th बर्थडे। तो अराउंड 3 o'clock को मेरा वाटर ब्रेक हुआ। सो आई वॉज स्लीपिंग एंड देन आई कुड फील समथिंग गीला गीला एंड दैट्स व्हेन आई रश टू द वॉशरूम। आई रियलाइज इट्स अनकंट्रोलेबल एंड तब से अब बज रहे हैं 5:27। एक घंटे हमने मॉनिटर किया तो मुझे कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं हर 5 मिनट्स में और अभी 5:30 हो रहा है। सो लग रहा है कि लेटेंट फेस ऑफ लेबर में है। सो लेट्स सी कि कैसे होता है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सो जाते हैं एंड देन उसके बाद मिडवाइफ को कॉल करके वी विल सी लाइक कि वो क्या बोलते हैं। एंड वाटर तो देखा, बेसिकली इट वॉज क्लियर, इट वॉज नॉट लाइक कुछ था। और मैं पानी भी पी रही हूँ खुद को हाइड्रेट करने के लिए। तो लेट्स सी एंड थोड़ा सूदिंग म्यूजिक लगाया ताकि अच्छे से नींद आए। सो या लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट अपडेट, होपफुली उस सोने के बाद हो। सो दिस वॉज माई फर्स्ट अपडेट एंड सो लेबर अपडेट 2। तो मिडवाइफ आई थी 9 बजे, चेक करके गई और उसने टेस्ट किया वो वाटर एंड शी सेड लाइक कि अभी 5 मिनट्स पे ही आ रहा है तो आप और मॉनिटर करो। वो अभी चेक नहीं करी डायलेशन, बट बेबी का हार्ट बीट एंड मेरा बीपी मेजर किया, सो विच वॉज फाइन। तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगा बट चीज़ लाइक कि और इंटेंस होना चाहिए। तो आज या कल ऐसे फिर से बोल रही है कि अर्ली स्टेज में ही हो। और अभी 1 बजे आने वाली, तो अभी बज रहे हैं 12। तो आई हैव टू जस्ट वेट एंड वेट फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। जैसे 5 मिनट में आ रहे तो फिर मुझे और वो कम टाइम में आए ऐसे करना है। तो मैं ये रिलैक्सेशन कर रही हूँ मेरे बॉल में, तो होपफुली सही से हो जाए। आई फील, और मुझे ठंडी भी लग रही है। सो इट्स लाइक मैंने शार तो ले लिया था बट जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं तो चिल्स भी आ रहे, तो ठंडी भी लग रही है बहुत। सो या आई विल कीप यू अपडेटेड। तो अभी भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ है। तो मैंने पैरासीटामॉल ले लिया था और अभी बज रहे रात के 10:10। तो मिडवाइफ आई थी 1 बजे फिर से टू सी एंड शी सेड लाइक कि आज हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस बड़े नहीं हैं आपके। तो उन्होंने डिस्चार्ज का सैंपल लिया एंड शी सेड लाइक इट इज़ एमनियोटिक फ्लूइड, सो वी हैव टू वेट। एंड आज मॉनिटर करना है कि मुझे फीवर आता है कि नहीं, एल्स देयर वुड बी एन इन्फेक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं एंड अभी भी मतलब इरेगुलर है। सो फॉर आई टू एक्चुअली बी इन लेबर वो बहुत इंटेंस और जल्दी जल्दी आने चाहिए तो नहीं आ रहे हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं, तो फिर अभी पूरी रात है। अभी बैग तो सब पैक कर लिया है और मुझे ठंड भी लग रही है, दैट्स वाई आई एम वेयरिंग दिस ब्लैंकेट। जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, फीलिंग कोल्ड, तो अभी वही सोच रहा है कि ऊपर जाके सो जाएंगे एंड कल सुबह वो फिर से 8 बजे आएगी जस्ट टू सी व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप इफ़ यू हैव टू इंड्यूस। सो लेट्स सी। Yes. So our baby's here finally. तो सीन ऐसा था कि कल रात को जो मैंने लास्ट बनाया था उसके बाद हम सोने चले गए और फिर आज सुबह मुझे फिर से कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे थे 2 मिनट अपार्ट वाले। तो हमने मिडवाइफ को कॉल किया और हमारा 4:30 बजे वो आई, 5:30 बजे तक हम हॉस्पिटल आ गए। तो
तो ये हॉस्पिटल है, आप देख सकते हो। एंड उसके बाद तो मिडवाइफ ने बोला घर पे कि मैं 3 to 4 centimeter डायलेटेड हूँ, बट कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज़ोर से आ रहे थे। तो आई वॉज लाइक ओके मैं एप्यूडोरल लूँगी बिकॉज मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 centimeter में इतना हो रहा है। बट उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो गया 1-2 घंटे कि मुझे पुश वाली फीलिंग आ रही थी। एंड देन द इधर की मिडवाइफ आई एंड शी चेक, आई वॉज ऑलरेडी 10 centimeter डायलाइटेड। तो पुशिंग में थोड़ा टाइम गया, लाइक 1 घंटा मान के समझो, बट या हियर शी इज एंड इट वॉज क्विक विदाउट एनी मेडिकल इंटरवेंशन एंड दैट्स अ बेबी हियर। Hello guys, so finally we have arrived home with our baby and here she is. So हमें डिस्चार्ज मिला आज एंड हम इसको लेकर आए and she's finally home, now she's sleeping. So this was the whole story.